हेलो एवरीवन, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा ये देखो क्वेश्चंस क्या है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 3/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ इन टाइम टी, देन फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। रेडियस क्या है सर्कल का? यहाँ पर देखते हैं छोटा सा एग्जाम्पल क्या है। जैसे 1/3 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट, सपोज करो ये सेंटर है, ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है इस पॉइंट से, 3/4 कहाँ पे आ गया? इस पॉइंट पे आ गया। यहाँ से मूव करके ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुंच गया, राइट? कितने टाइम लगे? टाइम लगा टी। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल ये आर है, ये भी आर, रेडियस आर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? सपोज करो ये ए है और ये पॉइंट बी पे पहुंच गया, 3/4 डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इधर से नहीं गया, ये इधर से गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ए टू बी लाइन मिला लेंगे, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। इफ दिस वन इज आर एंड दिस वन इज आर, दिस वन विल बी √2r, दिस इज द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन टाइम टी। कितना टाइम लगा है? टी टाइम लगा। और यहां से यहां जाने तक कितना टाइम लगेगा? 2πr × 3/4, क्योंकि टोटल सर्कल कितना है? 2πr सर्कमफेरेंस, उसका 3/4 जो है उतना इसने ट्रैवल किया टी टाइम। लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे? √2r। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस यही है ना, ए बी, डायरेक्ट लिख देते हैं। ए बी इक्वल्स टू √2r, ओके। एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल and the same duration suppose करो s equals क्या लिख देंगे? 3/4 of 2π, ये कितना हो जाएगा? तो distance क्या हो जाएगा? distance s equals to क्या लिख देंगे? 3/2। this is the distance during that time t and this is the displacement during that time. तो हम लिखेंगे, हमने क्या कहा? average speed and average velocity. तो total distance by total time, average speed. जनरली ये कौन से स्पीड से चला, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, t time में गया। तो total distance by total time, average speed, total displacement by total time, average velocity. लेकिन average velocity the average equals to क्या लिखेंगे? displacement by time। तो यहाँ से the average बराबर क्या लिखेंगे? the average बराबर लिखेंगे √2r by, तो क्या ये क्या है? displacement। हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताया, डायरेक्शन को नहीं बताया है। डायरेक्शन को बताएंगे तो इसको डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? इस डायरेक्शन में, राइट? इन दोनों का वेक्टर सम इसका और इसका इस डायरेक्शन में, राइट? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड बताया इसीलिए भी से क्वेश्चन कर दिया। एवरेज स्पीड क्या लिखेंगे? इसको भी एवरेज लिखते हैं, क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम, राइट? यहां से हम फिर से वी एवरेज, मैंने देखो यहां पे वी एवरेज दोनों को सेम चीज से रिप्रेजेंट किया है। ये वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और ये एवरेज स्पीड, तो इसलिए सेम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके? तो यहाँ पे हम लिख देंगे
डी बाई टू का आ गया। देखिए अगर इतना लिख सकते हैं यहाँ पर, इसी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी एवरेज प्लस टू, या यहाँ लिख सकते हैं बी एवरेज प्लस टू। कॉपी दिख रहा होगा थ्री पार आर का लास्ट में हमने एवरेज वेलोसिटी और स्पीड पढ़ा था, ये क्वेश्चंस है, छोटा सा एग्जांपल है, और ऐसे ही हम क्वेश्चंस बीच बीच में करते रहेंगे और कर सकते हैं। इसको एक बार देख लीजिए किसी को बताओ। ओके ये हो गया, नेक्स्ट थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग देंगे एक्सेलरेशन, राइट ना, क्वेश्चंस थोड़ा एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्सेलरेशन स्पीड सब पढ़ लेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स मोशन का देखेंगे अच्छे से। तो अभी हमने देखा यहाँ पे, नेक्स्ट हेडिंग देंगे एक्सेलरेशन, नेक्स्ट राइट। एक्सेलरेशन को ए से लिखा जाए, एक्सेलरेशन क्या होता है, जो जिससे हम एक्सेलरेट करते हैं वो क्वांटिटी जो स्पीड को बढ़ाता है, वेलोसिटी को बढ़ाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जैसे डिस्टेंस जिस रेट से चेंज हो रहा है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं, और वेलोसिटी जिस रेट से चेंज हो रहा है उसको हम एक्सेलरेशन। वेलोसिटी जिस रेट से चेंज हो रहा है इसका मतलब, जैसे वेलोसिटी स्टार्ट किया 0 से 0 2 4 6 8 हर सेकंड, 0 से 2 2 से 4 4 से 6 6 से 8 हर सेकंड कितनी स्पीड चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड। इट मींस जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। तो यहां पे इसको डिफाइन कर देंगे, लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। Acceleration is a vector quantity. Acceleration is a vector quantity, and its unit is meter per second square. Okay. तो एक्सेलरेशन बराबर लिखेंगे, एक्सेलरेशन बराबर लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। एक्सेलरेशन ए बराबर लिखेंगे डेल वी बाय, थोड़ा इसको फिजिकली अगर समझेंगे तो व्हाट वी डू एवरीथिंग फॉलिंग डाउन, इट रियली फॉलिंग डाउन फ्रॉम द एनी हाइट ऑन द अर्थ,
इट्स वेलोसिटी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, राइट ना? इनिशियली क्या है? जीरो है। जीरो के बाद क्या होता है? 10, 20, 30 क्या हो रही है? उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है हर सेकंड। एक सेकंड में जीरो से 10 हो गया, दूसरे सेकंड में 20 हो गया, तीसरे सेकंड में 30 हो गया, 10 सेकंड में 100 हो गया। तो हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना से बढ़ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रहा है 10। तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट हम जैसे किसी भी चीज को एक्सेलरेट करते हैं, बाइक को स्टार्ट करने के बाद डायरेक्ट 100 पे लेके नहीं चले जाते, 10, 20, 30 उसका आप धीरे धीरे उसको एक्सेलरेट कर रहे हो, उसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटर बना है। एक्सेलरेट जो हम करते हैं, तो एक्सेलरेट करते हैं तो हम वेलोसिटी को बढ़ाते हैं और ग्रेजुअली बढ़ाते रहते हैं। सपोज करो हर सेकंड हम 10 मीटर 0, 10, 20, 30, 40 इस तरह से अगर हम बढ़ा रहे हैं तो पर सेकंड हम कितनी स्पीड से बढ़ा रहे हैं? वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है पर सेकंड? 10। तो उसी को क्या कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ये चीजें अगर हो गए एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन के स्कोर, तो जरूरी नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट एवरेज एक्सेलरेशन से मूव करे, तो हम यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। नेक्स्ट लिख लेते हैं एवरेज लिखेंगे द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन इन चेंजिंग दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी to the total time taken taken is called average acceleration। मान के चलो कि अगर velocity change हो रहा है तो 10 सेकंड में चेंज हुआ, सपोज करो 50। अब किसी 1 सेकंड में 1 चेंज हुआ, किसी 1 सेकंड में 10 चेंज हो गए, और किसी 1 सेकंड में 5 चेंज हो गए। तो वेलोसिटी में चेंज हर सेकंड अलग अलग हो रहा है, 0 से 1, 5, 15, फिर से 15 के बाद 17। तो वेरिएशन वेलोसिटी हर सेकंड चेंज कॉन्स्टेंटली नहीं हो रहा, अलग अलग। तो टोटल चेंज बाय टोटल टाइम जो करेंगे उसको एवरेज एक्सेलरेशन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन, राइट? लिखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू टोटल चेंज इन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन फॉर दिस चेंज। ओके, तो हम सपोज करेंगे कि कोई भी वेलोसिटी हम जैसे लिखेंगे, इफ सपोज एन ऑब्जेक्ट has velocity having velocity v1
चार टी वाला एंड इट्स वेलोसिटी चेंज चेंज टू वी टू एट टाइम एट टाइम एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है v1 t1 टाइम और t2 टाइम भी कितना होगा v2 हो गया तो लिखेंगे द एवरेज वेलोसिटी What is this? There is a total change. V2 से V1 हो, V1 से V2 हो गया कितने टाइम? T1 से T2 टाइम. तो T V2 minus V1 के बारे में T2 minus T1 is the total change in velocity in the duration of total time. This is average acceleration. कोई problem हो जाए? तो इतना अगर हो जाए, तो next हम पढ़ेंगे average acceleration. हम simply जब कभी भी average velocity की बात, average acceleration की बात करेंगे, टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना है वो फाइंड करेंगे. ओके, टोटल चेंज इन वेलोसिटी मिल गया तो क्या करेंगे? टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, एवरेज एक्सीलरेशन हो जाएगा. इसका हम एक एग्जांपल भी देखेंगे. इससे पहले एक एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात करेंगे. क्या होगा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम? Next heading लेंगे instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration. A instant. या simply changing phase. इंस्टेंटेनियस मतलब सिंपली एक्सेलरेशन कहेंगे तो भी चलेगा. ओके, एवरेज को हमेशा एवरेज एक्सेलरेशन बोलेंगे. समटाइम्स एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर होता है. कब? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स वेलोसिटी विद द कांस्टेंट रेट देन एवरेज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. बिकॉज हर टाइम उतना ही चेंज होगा तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा एट एनी पर्टिकुलर टाइम. Average acceleration is always equals to the instantaneous acceleration in case of an object moving with the constant acceleration. Okay, तो यहाँ पे देखेंगे the acceleration of any object. At any particular time, at any particular instant is called instantaneous
इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन करने में क्या ए इंस्टेंटेनियस की बात अगर करेंगे आईएस लिख देते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और क्या लिखेंगे इसको डेल वी बाय दिस इज एवरेज इंस्टेंटेनियस ओके। और इसी को हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे इसी को लिख सकते हैं डी वी बाय ये है डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टी इसी को हम ऐसे लिखते हैं। अब दूसरी बात हम डिफरेंशिएशन अगर नहीं जानते हैं इस यहाँ पे हम बीच में एक दिन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डी वी बाई डी टी को सिर्फ इतना जानेंगे दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हमें डिफरेंट राइट टी की वैल्यू टी के टर्म्स में हम इसको लिखते जाएंगे तो हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन ओके ये हो गया चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दैट इज डी वी बाय डिफरेंशिएशन ऑफ वी इसी को Differentiation of V with respect to okay, इसको क्या कह देते हैं instantaneous acceleration। अभी आप देखो जब भी इस acceleration की बात करेंगे जैसे instantaneous acceleration है जैसे कभी भी हमारे पास a की वैल्यू आ गया 2 प्लस negative 3 लिख देंगे ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे पता चलेगा वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड पे हम एक्सेलरेशन यहां पे फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे एट टी इक्वल्स टू 0 एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा टी के वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम नेक्स्ट लिखेंगे एट टी इक्वल्स टू 1 सेकंड 1 सेकंड की बात करेंगे ए इक्वल्स टू 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा ए प्लस टू 5 मीटर पर सेकेंड ये हो गया। नेक्स्ट एट टी प्लस टू 2 सेकेंड तो 3 टू 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 ए प्लस टू 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं क्या देख सकते हैं ये वो इक्वेशन है जिस इक्वेशन से हमें किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 1 सेकेंड पे 0 सेकेंड पे 2 सेकेंड पे हमें एक्सेलरेशन मिल सकता है। तो इस तरह के टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ओके। अब यहां पे देखेंगे एवरेज किसको कहते हैं हमने 0 से 2 सेकेंड तक की बात किया यहां पे क्या किया 0 से 2 सेकेंड तक का बात किया तो 0 से 2 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो गया एक्सेलरेशन 0 पे कितना था 2 और 2 सेकेंड में कितना हो गया 8। तो जब हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे यहाँ हमें इस गोले में ध्यान देना है जब हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे टोटल चेंज इन एक्सेलरेशन टोटल चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम उस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एक्सेलरेशन में चेंज हो जाएगा क्या है एक्सेलरेशन वेरिएबल यहाँ पे इसको हम जो है एक्सेलरेशन ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हमें टोटल वेलोसिटी भी कितना चेंज हुआ वो देखेंगे टोटल वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ होगा ये 2 0 सेकंड में कितना चेंज हुआ होगा वेलोसिटी में 2 5 और 8 कितना हो गया 8 प्लस 7 15 क्योंकि एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन क्या है चेंज इन वेलोसिटी तो 2 सेकंड में कितना चेंज हो गया 15 मीटर पर सेकंड चेंज हो गया 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो गया कितने सेकंड में 2 से 0 से 1 2 से तो ये क्या हो गया 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एवरेज एक्सेलरेशन। अब यहां में
अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एक्सेलरेशन होगा, देयर विल बी डिफरेंट एक्सेलरेशन एट अ डिफरेंट टाइम। ओके, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके गाइस, चलो ये हमने कर लिया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज स्टार्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ स्पीड v एंड ट्रेवल 1/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ इन टाइम t, फाइंड x। तो यहां पे सिंपल एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, इसके साथ हम इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। देखेंगे एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ with the speed v and cover 1/4 of the circular path ट्रैवल करता है t टाइम में, यहाँ से यहाँ आ गया 1/4 ही है t टाइम में, कह रहे कि एक्सेलरेशन बताओ कितनी, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है मूविंग विद द स्पीड v, ये कॉन्स्टेंट स्पीड से भी कर मूव कर रहा है, v यहाँ पे भी और v यहाँ पे भी है, जबकि एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करेंगे तो स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन स्पीड एक्सेलरेशन नहीं होता, क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हो रहा लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा, बिकॉज वेलोसिटी क्या है वेक्टर पर, एंड वेक्टर विल चेंज व्हेन इट्स डायरेक्शन चेंज होता है। वेक्टर कैसे चेंज होता है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाएगा या दोनों ही चेंज हो जाएगा, तो वेक्टर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी है ये अलग वेक्टर है अलग है, दोनों वेक्टर चेंज होते हैं। अगर इन दोनों वेक्टर की बात करेंगे तो तो ये v1 है ना और ये v2 है, तो इसको क्या करेंगे माइनस v1 करना पड़ेगा, माइनस v1 करेंगे। क्यों करेंगे माइनस v1, क्योंकि v2 माइनस v1 हमें चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है, हमने लिखे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम। v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोनों ही b है, तो del b का मैग्नीट्यूड जो होगा, del b का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
एंगल कितना है 90 b square plus b square plus 2bb cos 90 cos 90 is 0 b square plus b square. तो del v changing velocity का mode कितना हो जाएगा √2b हो जाएगा. तो यहां से हम इसको हमने क्या लिख सकते हैं a equals to del v का mode changing velocity का mode divided by g. तो a x equals to हो जाएगा √2b. This is the acceleration. और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? देखो, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में. दिस इज एक्सेलरेशन. v2 और -v1 के बीच में डायरेक्शन का मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन. ओके, कोई प्रॉब्लम यहां पे एक बार और देख लीजिए, सिर्फ कोई प्रॉब्लम है तो. ठीक है, तो यहां तक एक्सेलरेशन हमने देखा कि एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं और वेलोसिटी कैसे चेंज होता है, राइट? अगर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, इस तरह के प्रॉब्लम हम आगे भी डिस्कस करेंगे. आप इस न्यूमेरिकल के साथ हम क्लास को क्लोज कर रहे हैं. ओके.